पहले मेरे सीट पे हाथ डाला, फिर हाथ पकड़ा, फिर ये पकड़ा, फिर उसके बच्चे और वो सब लोग मारे मिल के। मेरा भी रूम ले लिया, मैं कैसा भाड़े से रहती हूँ बस इसी के ऊपर। बोलता तेरे बाप का है तो बना के दिखा। और बेहोश होने के बाद भी वो लोग ने डंडे से मारे, ये सर फोड़ दिए। देखो पहले उनके ऊपर हाथ मारे, फिर उनके लड़की लोग, फिर उनकी औरत आई, फिर उनका लड़के ने डंडे डंडे से मारा। दवा मेरी चालू है, अगर 2 मिनट वगैरह मेरी जान का भी खतरा है बहुत। ऐसा जुलूम नहीं होना चाहिए। बिल्डिंग का पूरा हाफ बोलता कि मेरा ही हाफ ही। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के सम्राट नगर में एक महिला जिसका नाम है शमसुन निशा, इस महिला ने एक मौलाना मुनीर पर मारपीट का आरोप लगाया है। यही नहीं, शमसुन निशा ने बताया कि मौलाना के परिवार वालों ने भी मिलकर उसे मारा है। मारपीट के दौरान ये महिला शमसुन निशा बेहोश भी हो गई थी। ये मारपीट कल रात में सम्राट नगर के रिहान महल इमारत की टेरिस पर मीटिंग के दौरान हुआ है। शमसुन निशा के साथ मारपीट की वजह से इमारत की तमाम महिलाएं इमारत से उतरकर मौलाना मुनीर के खिलाफ शमसुन निशा को लेकर मुमरा पुलिस स्टेशन शिकायत करने के लिए गई थी। शमसुन निशा ने बताया है कि रिहान महल में उसका भी एक रूम बुकिंग था, मगर रूम अभी उसे मिला नहीं है और इमारत में वो किराए पर रह रही है। और कल रात में इमारत की टेरिस पर एक मीटिंग हो रही थी और ये मीटिंग मेंटेनेंस और बारिश आने वाली है, इसलिए पत्रे लगाने और इमारत में साफ सफाई के रखने के लिए ये बातचीत चल रही थी। और इसी बातचीत के दौरान शमसुन निशा और मौलाना मुनीर के बीच में विवाद हो गया। शमसुन निशा ने मौलाना मुनीर पर उनके परिवार पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। मारपीट के दौरान मार लगने की वजह से शमसुन निशा बेहोश हो गई थी, जिन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया था। हालांकि इस पूरे मामले में मौलाना मुनीर ने खुद फ़ोन करके बताया कि मीटिंग के दौरान शमसुन निशा गाली गलौज करने लगी और चप्पल से मारने के लिए आई थी, इसी दौरान जो है ये मारपीट हुई। हालांकि मौलाना मुनीर कैमरे पर कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में दोनों तरफ से मुमरा पुलिस स्टेशन में अभी तक किसी भी पक्ष ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है, आपसी समझौते की बातचीत यहां पर जारी है। बहरहाल मारपीट को लेकर शमसुन निशा और इमारत में रहने वाले तमाम महिलाएं और जो वहां पर पुरुष थे उन लोगों ने क्या कुछ बताया है आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा शमसुन निशा। क्या हुआ था, किसने मारा? कुछ नहीं, टेरिस पे ये हुआ था, वही मीटिंग वोटिंग हो रही थी, मैं भी उसी में बोल दी, बस वो उसकी औरत आई और वो मुनिरवा आया, पहले मेरे जिस्म पे हाथ डाला और उसका बेटा मुनिरवा सब लोग मेरे को मारे मिल करके डंडे से भी, इससे बहुत चोट लगा। यहाँ सब ये देखो क्यों मारे, लेकिन मीटिंग किस चीज को लेकर थी? मीटिंग को वही कुछ नहीं हुआ था, वहाँ मेरा भी घर है ना, तो मैंने बोली मेरा भी है, मेरे को तो बनाने नहीं दिए थे, मेरा भी रूम ले लिए, मैं कैसा भाड़े से रहती हूँ बस इसी के ऊपर। बोलता तेरे बाप का है तो बना के दिखा। घर आपका कहाँ पे था पहले? मैंने भी बुकिंग कराई हूँ उसी में, मेरा भी 3.5 लाख रुपया दी हूँ। तो मुनीर मेरे पास एग्रीमेंट पेपर और मुनीर कौन है? मुनीरवा उधर 6 माले पे रहता है। अच्छा। पहले मेरे सीट पे हाथ डाला, फिर हाथ पकड़ा, फिर ये पकड़ा, फिर उसके बच्चे और वो सब लोग मारे मिल के। आपको मारे? हाँ, ये सर फोड़ दिए। देखो आप कौन से बिल्डिंग में रहते हैं? रेहान महल बिल्डिंग में। ये आपके साथ में जो औरतें हैं सब वहीं पर हैं? हाँ, सब साथ में। आप लोग भी वहाँ पर थे? वहाँ पर हाँ सब थे आप लोग साथ। क्या हुआ था कि वही जो बताई वही हुआ? ऐसा जुलूम नहीं होना चाहिए। बिल्डिंग पूरा हाफ बोलता कि मेरा ही हाफ ही होगा, हाफ इसका लेना है, बिल्डिंग मेरा ही है, बोलता है तू बना के दिखा। अच्छा, आपको घर बनाने नहीं दे रहा है? हाँ, नहीं बनाने दे रहा है, बोलता है तेरे बाप का है तो तू बना के दिखा। तो आप पुलिस में आई थी, इधर पुलिस स्टेशन में आई थी कंप्लेन वगैरह कुछ? हाँ, करी ना कंप्लेन, और मेरे सर का भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर माचिस वाले की दवा मेरी चालू है, अगर 2 मिनट वगैरह मेरी जान का भी खतरा है बहुत, मेरी फाइल भी है, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। और आज मैं वही 12 साल से उसी बिल्डिंग में रहती हूँ, मुझे सब लोग जानते हैं। चाचा आपका? मोहम्मद वकील। यहाँ पर जो मीटिंग के दौरान मारपीट हुई है, दरअसल ये विवाद शुरू कैसे हुआ है? विवाद कुछ नहीं था, मतलब अच्छी अच्छी बातें चल रही थी, उसके बावजूद मतलब जो है थोड़ा बात खत्म हो गई, सब जाने लगे, तो उसमें एक गुड़िया करके है और ये मुनीर है, उनसे कहा सुनी हो गई, तो बाप बेटे में हो रही थी, नीचे से उन लोगों को लेडीज लोग आ गई, मतलब जो है उन पर मतलब दावा बोल दी मतलब करके। अच्छा,
किसने मारपीट किसने शुरुआत किया था? शुरुआत तो इधर से हुआ है, इधर से मतलब मौलाना की तरफ से, बच्चों से। मौलाना का नाम क्या है? मुनीर। मुनीर, इन्होंने मतलब औरत को मारा पहले? हाँ, ये थे, इनके बच्चे थे। अच्छा, मतलब उनके परिवार वालों ने मारपीट किया। आप भी वहाँ पर मौजूद थे? हाँ, हम लोग मौजूद थे, सब लोग मौजूद थे, पूरी बिल्डिंग मौजूद थी। आप भी थे वहाँ पर? हाँ, हम लोग सब जन थे। क्या नाम आपका? रेशमा या शेख। किसी जिसे बताया जा रहा है कि जो मौलाना है उन्होंने महिला के ऊपर हाथ उठाया? हाँ, उन्होंने पहले उनके ऊपर हाथ मारे, फिर उनके लड़की लोग, फिर उनकी औरत आई, फिर उनका लड़के ने डंडे से मारा, और बेहोश होने के बाद भी वो लोग ने डंडे से मारे। हम मैंने बोली उनको, 14 शॉट उनके सर पे लगाए, फिर भी नहीं सुने, चप्पल से और डंडे से मारे। क्या वजह क्या हुई थी? वजह कुछ नहीं, बिल्डिंग की रिपेयरिंग की मीटिंग चल रही थी, उसके वजह से वो ऊपर से चालू हो गया, उसके ऊपर से ही बात। अच्छा, बताया जा रहा है कि उनका भी इसमें बुकिंग है, लेकिन उसके बावजूद वो किराए पर यहाँ रह रही थी, तो उन्होंने कहा कि हर वक्त मैं सिर्फ मेंटेनेंस का पैसा रहता क्यों? उनका बात ये नहीं था, उनका 30,000 का मटेरियल था, उनका बोलने का ये था कि मेरा मटेरियल तुमने लेकर के घर बांध दे, वो ये बोल, इसके ऊपर से उनका झगड़ा चालू हो गया, तो वो बोलता है कि मेरे को बिल्डर ने बांध के दिया, मैंने तेरा नहीं लिया। इन्होंने बोला मैंने खुद तुझे बोली थी, तूने ही मेरा लिया, मेरे को दे दे पैसा। वो बोलता मैं दूंगा ही नहीं, मुझे बिल्डर ने दिया। बिल्डर कौन? बाबा बिल्डर है। हाँ, बिल्डर इंतकाल हुआ? बातचीत है? नहीं, इंतकाल होगा उसका तो नहीं होगा। आप लोग भी थे मीटिंग में? क्या हुआ थी? क्या हुआ था पूरा, जिस तरह से महिला के साथ मारपीट का मामला? मारपीट उसको मत मारपीट सब जो बोले वो यही बात है। तुम देखे नहीं देखे वो बोलो? नहीं, मैं देखी हूँ ना, इसे मारे डंटा से, मारे उनके बाल बच्चे, वो सब सब मिल करके मारे उसको, बेहोश हो गए सब, फिर उसको उठा करके बिल्ली वाले सब लेके गए पुलिस चौकी में। आप देखिए इंसाफ क्या हो रहा है, बेहोश हो गए जगह पे। अभी कहाँ हॉस्पिटल लेकर गए? जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हजर। अच्छा, आप भी मौजूद थे जिस वक्त झगड़ा हुआ था? बताया जा रहा है कि जो मौलाना साहब हैं उन्होंने पहले उस महिला के ऊपर हमला किया था। पहले बहस हुई थी मीटिंग खत्म होगा, उसका 30,000 करीब हुआ खर्चा किया, उसमें बहस हुई थी, गाली गलौज हुआ था, फिर उनकी वाईफाई डायरेक्ट हमला किया, फिर उनके लड़के हैं मौलाना है, दो लड़कियाँ हैं, इन लोगों ने मारा उनको, और मारने के बाद गिर गए, फिर भी उनकी एक लड़की और चप्पल से मारा। मतलब पहले शुरुआत मौलाना ने किया, तो अभी क्या हॉस्पिटल लेकर के? अभी तो कलवा हॉस्पिटल रेफर किया है थाने से, अभी कलवा। पुलिस स्टेशन में क्या बताया गया? अभी रिपोर्ट में तो अभी आई रिपोर्ट आई नहीं।